subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. होली का त्यौहार 29 मार्च को मनाया जाएगा, लेकिन धर्म की नगरी काशी में इसकी शुरुआत रंग भरी एकादशी से ही हो जाती है। काशीवासी अपने इष्ट भोले बाबा के साथ महाशमशान पर चिता भस्म के साथ खेलकर होली के पहले इस पर्व की शुरुआत कर देते हैं। इसके बाद ही काशी में होली की शुरुआत हो जाती है। मोक्षदायिनी काशी नगरी के महाशमशान हरिश्चंद्र घाट पर कभी चिता की आग ठंडी नहीं पड़ती। 2400 घंटे चिताओं के जलने और शव यात्राओं के आने का सिलसिला चलता ही रहता है। चारों ओर पसरे मातम के बीच वर्ष में एक दिन ऐसा आता है जब महाशमशान पर होली खेली जाती है, वो भी रंगों के अलावा चिता के भस्म से होली। रंग भरी एकादशी पर महाशमशान में खेली गई इस अनूठी होली के पीछे एक प्राचीन मान्यता है। कहा जाता है कि जब रंग भरी एकादशी के दिन भगवान विश्वनाथ माँ पार्वती का गौना कराकर काशी पहुँचे, तो उन्होंने अपने गणों के साथ होली खेली थी, लेकिन वो अपने प्रिय शमशान पर बसने वाले भूत प्रेत पिशाच और अघोरी के साथ होली नहीं खेल पाए थे। इसलिए रंग भरी एकादशी से विश्वनाथ इनके साथ चिता भस्म की होली खेलने महाशमशान पर आते हैं। इस दिन से पंच दिवसीय होली पर्व की शुरुआत हो जाती है। इसकी शुरुआत हरिश्चंद्र घाट पर महाशमशान नाथ की आरती से होती है। इसके पहले एक भव्य शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। इस अनूठी आयोजन के कराने वाले डोम राजा परिवार के बहादुर चौधरी ने बताया कि यह सदियों पुरानी परंपरा चली आ रही है। मान्यता है कि बाबा माँ पार्वती का गौना कराने के बाद भूत प्रेत और अपने गणों के साथ मशान पे होली खेलने आते हैं और इसी के बाद से होली की शुरुआत हो जाती है। बाबा की शोभा यात्रा कीनाराम आश्रम से निकलकर महाशमशान हरिश्चंद्र घाट तक आती है। इसके बाद महाशमशान नाथ की पूजा और आरती होती है। इसके बाद अपने गणों के साथ चिता भस्म की होली खेलते हैं। इस मौके पर मौजूद बीएचयू के पूर्व छात्र डॉक्टर मनीष मिश्रा ने चिता भस्म की होली की पौराणिकता के बारे में बताया कि जब दक्ष के यज्ञ में सती जी ने अपने प्राणों को त्याग दिया था, तभी से भोलेनाथ और देवगण खुश नहीं थे। कामदेव के भस्म होने के बाद माता पार्वती का विवाह शिव जी के साथ हुआ। मान्यता अनुसार रंग भरी एकादशी के दिन ही भोलेनाथ माता पार्वती का गौना कराकर काशी ले आए, जिससे शिव जी के गणों को काफी खुशी हुई। बाबा भोलेनाथ अड़भंगी हैं और चिता भस्म से ही श्रृंगार करते हैं, इसलिए चिता के भस्म को एक दूसरे पर उड़ाकर उन्होंने अपनी खुशियां प्रकट की थी। वही परंपरा काशी में अनादिकाल से निभाई चली जाती है। इसी के साथ ही होली की शुरुआत काशी में हो जाती है। काशीवासी पूरे वर्ष भर रंगों की होली खेलने के पहले इस महाशमशान पर होने वाली चिता भस्म की होली का इंतजार करते हैं, क्योंकि अंतिम सत्य शव है और काशीवासी शव को शिव के रूप में पूजनीय मानते हैं। इसलिए शिव के साथ होली खेलने के लिए महाशमशान पर अबीर गुलाल की जगह चिता की राख से होली खेलने आते हैं। इस बार की अनोखी होली में युवतियां भी खुद को आने से नहीं रोक सकी। बनारस में जाकर पढ़ाई करने वाली जौनपुर की रानी सिंह बताती हैं कि वे हर वर्ष चिता भस्म की होली देखने जरूर शमशान पर आती हैं और उन्हें यहां आकर काफी आनंद आता है। वहीं बनारस के शिवम बताते हैं कि आज ही के दिन से बनारस में होली शुरू हो जाती है, क्योंकि शिव अपने गणों के साथ मशान में चिता भस्म की होली खेलते हैं और वह भी इसमें शामिल होकर इसका आनंद लेते हैं। मातम में भी उत्साह का रंग कहीं दिख सकता है, तो वो शिव की नगरी काशी में ही संभव है। काशीवासी महाशमशान की छूत अछूत अपशगुन से परे और नवजीवन से मुक्ति पाने का द्वार मानते हैं। यही वजह है कि रंगों की होली के पहले चिता भस्म की होली में जाने से आनंद कई गुना बढ़ जाता है। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.